घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अच्छा अरे एक साथ स्टार्ट करो। चाप खोल दबा 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 पे रखो ऐसी जी का अब बैठो गाड़ी में बैठो किराए आओ बैठो उठाओ भूल करो करो सही करो अरे आ जाओ करो तुम करो सो फाइनली अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ को। दोनों भाई तो तैयार हो चुके हैं और बैठ भी गए हैं। मुझे इसकी पिन नहीं मिली यार, उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गए। चल ठीक है राकेश, ओके ओके ओके, फिर मिलते हैं आते समय, ठीक है ओके। चलो गाइस बाय बाय। सो अभी गिरजा देवी टेम्पल से हम निकल चुके हैं वापस अपने घर की तरफ को। ऐसे छोटे छोटे नदियों में पानी हमें मिलता रहेगा, अभी एक बड़ी सी नदी मिलेगी हमको आगे। वैसे वो सूखा रहता पर लेकिन बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी होता है। बस डर इसी बात का है यार कि उसमें ज़्यादा पानी ना आ जाए, अगर ज़्यादा पानी आएगा तो हमें दिक्कत हो सकती है जाने में, क्योंकि वहाँ पे अगर ज़्यादा पानी होता है तो बाइकों का तो निकलना मुश्किल होता है। सो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो, तो हम फटाफट से यहाँ से निकल गए। क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव वो मैं आपको एक बार पहले बता चुका हूँ और पिछले पार्ट वन में आपने देख ही लिया होगा कि रास्ते में दो कारों का एक्सीडेंट हुआ था। मतलब एक तो कार थी और एक मैक्स थी जो रोड पे पलट चुकी थी और एक थोड़ा रोड से बाहर। सो ऐसे नाच करें ड्राइव यार, प्लीज़ केयरफुली करें क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है तो बहुत ज़्यादा चांसेस वैसे होते हैं क्योंकि मिट्टी गीली होती है। सो आप कहीं भी राइड करने जा रहे हो तो सेफ तरीके से राइड करें और सेफ राइड करें, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मैं भी सेफ तरीके से करता हूँ और आराम से करता हूँ और प्यार से करता हूँ। कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करने का, हमारा ही नुकसान होने वाला है उसमें। और देख सकते हो एप्रेलिया का साउंड बहुत ही खतरनाक आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो अभी पुलिया का काम चल रहा है, अभी हुआ नहीं है पूरा क्योंकि यहाँ पर भी बीच में ना एक छोटी सी नदी पड़ती है, वो भी बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा आता है पानी उसमें। सो अभी इसका काम स्टार्ट हो रखा है, काम चल रहा है, मतलब अच्छे से काम पूरा हुआ नहीं है। थोड़ा थोड़ा पिलर बनाए जा रहे हैं इसमें और ऑफ रोडिंग तो देख लो गाइस। अप्रैलिया को मैं बहुत ऑफ रोड कर चुका हूँ और पिछला ब्लॉग आपने देख लिया होगा भद्रास टेंपल का, वहाँ बहुत ज़्यादा ऑफ रोड था। सो चलते हैं यहाँ से और सीधा आपको मिलते हैं आगे नदी में, जहाँ पे एक नदी है आगे धनगढ़ी की, धनगढ़ी बोलते हैं उसको, वहाँ पर मिलते हैं आपको। सो चलते हैं, लेट्स गो। मौसम तो बाहर हो रहा है, एकदम सुहाना मौसम हो रहा है। आप लोग भी बोल रहे होंगे कि यार मौसम की बात कर रहा है, सिर्फ मौसम देखने गया क्या? सो गाइस मेरा घर ही यहीं है यार, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए या फिर आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ दोबारा से, नहीं तो मैं इतना आता नहीं हूँ, बहुत कम आता हूँ। सो चेक करो गाइस,
सो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का रास्ता जो अंदर के लिए जाता है। यहाँ पे सफारी होती है, सफारी से करते हैं ज़्यादातर। और आप जब भी आओ ये याद रख लेना कि ये है जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क का एंट्री गेट। सो अभी हम धनगढ़ी में पहुँच चुके हैं, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर भी काम चल रहा है वैसे, और पानी का पता नहीं कितना पानी आ रखा है। सो तो आई डोंट नो, बट पानी तो नहीं है इतना, बहुत कम पानी है। ओए आए 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 आए। और यहाँ पे एक छोटी सी नदी है, यहाँ पे भी पानी बहुत ज़्यादा आता है और रुक नहीं पाता, बहुत तेज़ी में चलता है। और यहाँ पे बाइक वगैरह तो ऐसी बह जाती है। सो अभी हम भी चेक करते हैं यार कि कैसा है पानी का बहाव यहाँ पे। कुछ ख़ास तो नहीं है पर, लेकिन यहाँ पे बह गया सब कुछ, यहाँ पे बह गया सब कुछ, सब कुछ बहा दिया यहाँ पे, देख सकते हो सब कुछ तोड़ दिया यहाँ पे। निकल जाएगी, सो पानी ने यहाँ पे सब कुछ तोड़ दिया, देख सकते हो बहुत ही खतरनाक हो रखा है यहाँ पे। सो हम तो निकल गए, आसानी से पार कर लिया। सो चलते हैं इससे आगे और आपको मैं एक व्यू पॉइंट और दिखाऊंगा और उसके बाद सीधा आपको घर पे मिलूंगा। सो चलते हैं। सो गाइस अभी हम जितने घर के करीब पहुंच रहे हैं ना यार, दिल की धड़कन बढ़ रही है मेरी कि कैसे फेस करूंगा, और घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वो भी वेट कर रहे हैं देखने के लिए अपनी एप्रेलिया को। सो अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ घर पे पहुंचने के लिए, क्योंकि ये चेक करो गाइस, ये व्यू चेक करो आप, भयंकर अलग लेवल का है यार, नेक्स्ट लेवल का व्यू है यहाँ से। और भाई लोगों को एक यही लोकेशन दिखानी थी, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है। चेक करो गाइस अब सामने वेदर दिख रहा है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा। सो गाइस भाई लोगों को ये लोकेशन दिखानी थी लास्ट, और इसके बाद अभी हम निकल रहे हैं घर। भाई झूठ क्यों बोल रहा है यार, ना मज़ा ही नहीं आया। सो गाइस ये सब मस्ती मार रहे, और सामने देखो आप पहाड़ कैसा दिख रहा है ऐसे ऐसे करके, और इधर देखो बारिश हो रही है वहाँ सामने जहाँ धुंध ज़्यादा दिख रही है और ये बादल है। यहाँ पर का लोकेशन बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही खतरनाक, देख सकते हो अमेजिंग है यार, अमेजिंग। चेक करो यह हमारी बाइक खड़ी यहाँ पे, यह हमारी बाइक खड़ी यहाँ पे, और ये देख सकते हो बहुत ख़तरनाक। सो चलते हैं सो गाइस यहाँ से भी आगे को, अभी देख सकते हो नदी, मतलब यहाँ पे रोड पे पूरा मिट्टी मिट्टी आ गई, ऊपर से लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है पहाड़ों पे, देख सकते हो यहाँ से पानी आया तो हो गया। सो वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना, ताकि आपके छोटे भाई को यार सपोर्ट मिल सके, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ यार। सो गाइस कर दिया करो यार प्लीज़। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे घर में, और घर पे गांव में पहुँच चुके थे, और अभी घर पे भी पहुँच चुके हैं। जैसे कि मौसम देख सकते हो कितना प्यारा खूबसूरत हो रहा है, और अभी मैं हूँ घर पे, और अभी हम अपनी एप्रेलिया RS 457 की पूजा कराने जा रहे हैं, और घर वालों का रिएक्शन देखते हैं कि कैसा रहता है, कोई पता नहीं है। सो मौसम चेक करो आप, बहुत ही प्यारा हो रहा है, बहुत ही खतरनाक खूबसूरत सा। सो भाई चलते हैं सीधा रोड पे, फिर मिलते हैं आपको। सो सारे जने निकलते हुए घर से ऊपर रोड की तरफ को, और अभी मैं भी चल रहा हूँ साथ में, और ऊपर जाके सबसे पहले गाड़ी की पूजा कराएंगे। तो गांव के रास्ते चेक करो गाइस कितने खतरनाक होते हैं, बिल्कुल एडवेंचर वाले।
हैंगर आने। मंदिरम ना गए हम। अभी सब लोग पैदल चल रहे हैं और मैं भी चल रहा हूँ साथ में, देख सकते हो मैं भी चल रहा हूँ। और अभी ये भी चल रहे हैं भाई एक छोटा। आ जल्दी। हाय कर रहा आप सभी को। सो चलते हैं पहले मंदिर में चल रहे हैं यार, मंदिर में पूजा करने के बाद फिर चलेंगे ऊपर। सो ये है हमारे गांव के यहाँ पे मंदिर छोटा सा एक, ये हमारे गांव के ऊपर है, नीचे हमारा गांव है और यहाँ है ऊपर मंदिर। सो मम्मी पापा भी पहुँच चुके हैं यहाँ पे और हमारा डॉगी भी आया है। कालू कालू गुजी बुजी बहुत बहुत खतरनाक है ये भी। यार ये हमारा बेबी, ओए बेबी सो गया जस्सू, सो गए बाबू, आज पहली बार तुम मंदिर में आए और सो गए। सो ये है अपने गांव का मंदिर, अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सा पूजा वूजा करके और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं ऊपर गाड़ी के पास। गाड़ी भी अपनी ऊपर ही खड़ी है यहाँ पे। और सो सामने का व्यू चेक करो, वाह गॉड बहुत प्यारा और खतरनाक। पूजा निपटाते हैं यहाँ से और उसके बाद चलते हैं। तो फाइनली हमने पूजा यहाँ पे कर दी है और उसके बाद यहाँ से चल रहे हैं ऊपर बाइक के पास और ऊपर बाइक से बाइक की पूजा कराते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ अपने जस्सू को, देख सकते हो ये मेरा जस्सू है और मेरा बेटा और हमें पापा। तो चलते हैं यहाँ से, मम्मी वगैरह चल रही हैं। गेट बंद कर दो। सो हम निकलते हुए सबसे आगे, मम्मी अभी चल रही है हमसे आगे, मम्मी चल रही है, बाकी चलते हैं सीधा ऊपर, मिलते हैं आपको गाड़ी के पास। अभी हम पहुंच चुके थे यहाँ पे और पापा ने स्टार्ट कर दिया पूजा करना और पापा कर रहे हैं पूजा। बस 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 अब टीका लगाओ गाड़ी को, खुद को लगाओ पहले फिर टीका लगाओ। कदी के लगा टेरक है मां ओम मंदिर ओम नहीं से ओम है बस छोटा छोटा बनाना छोटा छोटा बनाना ज्यादा बनाना जेट बस चांगो लगाओ बीजम लगाओ चांगो बस बस हो गया। अरे भाभी भाभी को पकड़ लो, मैं इधर से चला जाता हूं। पूरा पांडा
वो वाह वाह ठीक हो बे के बना लियो कूट हादर करो तो आज की फिरा है ओ ठीक ठीक पीछे भाग 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 दिमड़ पे चला लगा अरे एक साथ आ गया है और बारिश भी आ गई, देख सकते हो कितना शुभ मुहूर्त हो रहा है ना अभी, जैसे हमने पूजा करी और बारिश भी आ गई। पटकी मार, जय माता दी, आराम से जय माता दी, सब पड़ू रहे हो, सब सब नहीं पड़ता, चलो चला जय माता दी। चल अब चाय ऑन कर, हाँ रुक जा धीरे धीरे, अब बटन दबाओ वाल। एक बार तुम करो, मुझे स्टार्ट करो, हाँ चाप चाप दबा 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 मीठा दबा, भाई रखो दबा रखो, थोड़ा दबा ऐसी जी का अब बैठो गाड़ी में, बैठो किराए आओ, बैठो उठाओ, भूल करो वो ना करो, करो सही करो, अरे आजाल करो तुम, करो सो फाइनली पूजा हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अभी यहाँ से निकलते हैं घर के लिए और उसके बाद हमने एक मंदिर जाना है राजा हरूष जी के मंदिर में, तो सो अभी पहले घर चलते हैं फटाफट से, खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं।